आज का आजाद सिपाही अखबार आपने पढ़ा क्या? पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। नमस्कार, आजाद सिपाही के प्राइम बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष सिंह। आज की प्राइम की खबरें कुछ इस प्रकार हैं। नीतीश कुमार बोले, मुझे नहीं रहना सीएम, एनडीए जिसे चाहे बना दे। सरकार की पहली वर्षगांठ समारोह की तैयारी, सीएम हेमंत पहुंचे मुराबादी मैदान, तैयारियों का लिया जायजा। टीएसपीसी उग्रवादियों की पुलिस को खुली चुनौती, चतरा डीडीसी आवास की चार दीवारी पर चिपकाया पोस्टर। आधी रात को पुलिस ने हटाया मोराबादी में धरना दे रहे पुलिस अभ्यर्थियों को। अब आइए सुनते हैं खबर विस्तार से। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बाद बड़ा बयान दिया है। उन्होंने रविवार को जदयू की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में कहा कि मुझे अब सीएम नहीं रहना, एनडीए गठबंधन जिसे चाहे बना दे सीएम, बीजेपी का ही सीएम हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मुझे किसी पद का मोह नहीं है। नीतीश कुमार के इस बयान ने बिहार की राजनीति में हलचल मचा दी है। नीतीश कुमार ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव के बाद मैंने अपनी इच्छा व्यक्त कर दी थी, मुझे सीएम बनने की इच्छा नहीं थी, लेकिन मुझ पर काम करने के लिए दबाव था। बता दें कि पटना में जदयू की दो दिवसीय राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई। बैठक का दूसरा और अंतिम दिन था। इसके बाद जदयू के प्रधान महासचिव केसी त्यागी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर कहा कि जदयू ने अरुणाचल प्रदेश की घटना पर शोक व्यक्त किया है। जदयू के 6 विधायकों को भाजपा ने मंत्रिमंडल में शामिल करने की बजाय उन्हें अपने दल में ही शामिल कर लिया है, यह अच्छा नहीं किया, हमें इस पर बेहद दुख है, यह गठबंधन की राजनीति के लिए अच्छा संकेत नहीं है। झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार की पहली वर्षगांठ पर होने वाले समारोह की तैयारियां जोरों पर हैं। रविवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन खुद मोरहाबादी मैदान पहुंचे और चल रही तैयारियों का जायजा लिया। मुख्यमंत्री ने तैयारियों के संबंध में बिंदुवार पूरी जानकारी पदाधिकारियों से ली, कई आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने कोरोना संक्रमण को ध्यान में रखते हुए कार्यक्रम में सम्मिलित होने वाले अतिथियों, लाभुकों और आमजनों के लिए सोशल डिस्टेंसिंग का अनुपालन सुनिश्चित कर तैयारी करने का निर्देश दिया। मुख्यमंत्री ने समारोह में उपस्थित होने वाले आगंतुकों के बैठने के लिए कुर्सियां इत्यादि की व्यवस्था, एलईडी स्क्रीन को सुनियोजित ढंग से लगाने की व्यवस्था को दुरुस्त रखने का भी निर्देश दिया। पदाधिकारियों ने मुख्यमंत्री को बताया कि 29 दिसंबर को राज्य स्तरीय समारोह का आयोजन दोपहर 12:30 बजे किया जाएगा। कोरोना संक्रमण के मद्देनजर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कार्यक्रम स्थल में लगभग 3,000 लोगों के बैठने की व्यवस्था की जा रही। राज्य स्तरीय समारोह में राज्य के सभी जिले लाइव जुड़े रहेंगे। मौके पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मोरहाबादी मैदान स्थित बिरसा मुंडा फुटबॉल स्टेडियम और इंडोर बैडमिंटन कोर्ट का भी निरीक्षण कर स्टेडियमों के रखरखाव से संबंधित जानकारी ली। मौके पर मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, सचिव अजय कुमार सिंह, सचिव पूजा सिंघल, सचिव विनोद कुमार चौबे, खेल निदेशक जिशान कमर, उपायुक्त छवि रंजन सहित अन्य पदाधिकारी उपस्थित थे। टीएसपीसी के उग्रवादियों ने दुस्साहस का परिचय देते हुए चतरा डीडीसी के आवासीय परिसर में पोस्टर चिपकाकर पुलिस को खुली चुनौती दी है। जिस स्थान पर पोस्टर चिपकाया गया है वहां से कुछ ही दूरी पर पुलिस की दो टुकड़ी तैनात है। पहली टुकड़ी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के मुख्य ब्रांच परिसर में तथा दूसरी टुकड़ी सिंचाई प्रमंडल कार्यालय के समीप तैनात है। डीडीसी का कार्यालय NH99 चतरा डोबी मुख्य मार्ग पर अवस्थित है। डीडीसी के आवास के समीप ही दक्षिणी एवं उत्तरी वन प्रमंडल पदाधिकारी का कार्यालय और आवास है। इतना ही नहीं, कुछ ही दूरी पर नाजेरत विद्या निकेतन और डीएवी पब्लिक स्कूल भी है। पोस्टर उत्तरी दक्षिणी छोटा नागपुर तृतीय सम्मेलन प्रस्तुति जोनल कमेटी ने जारी किया है। पोस्टर के जरिए पुलिस एवं प्रशासन तथा CCL प्रबंधन को निशाना बनाया गया है। इस प्रकार एक वरीय अधिकारी के आवास की चार दीवारी पर पोस्टर चिपकाने से लोग दहशत में हैं। मजे की बात तो यह है कि पोस्टर चिपकाए जाने की जानकारी दोपहर के 2:30 बजे तक पुलिस एवं प्रशासनिक अधिकारियों को नहीं थी। राजधानी रांची के मोरहाबादी मैदान में धरने पर बैठे होमगार्ड और झारखंड पुलिस के सफल अभ्यर्थियों को शनिवार की रात करीब 1:30 बजे पुलिस ने मोरहाबादी मैदान से हटा दिया। रात करीब 1 बजे बड़ी संख्या में प्रशासन की टीम दलबल के साथ मोरहाबादी पहुंची और अभ्यर्थियों को जबरन बस में बिठाकर खेलगांव पहुंचा दिया गया। इस दौरान अभ्यर्थियों ने जमकर हंगामा किया और सरकार एवं प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। अभ्यर्थियों का आरोप है कि कार्रवाई के दौरान उनके साथ मारपीट भी की गई। बता दें कि 2015 में झारखंड पुलिस की नियुक्ति के तहत सफल अभ्यर्थियों का मोरहाबादी मैदान में 27 दिनों से धरना प्रदर्शन चल रहा था। इसमें करीब 17 दिनों से कई अभ्यर्थी भूख हड़ताल पर बैठे थे। ये तमाम अभ्यर्थी सरकार से दूसरी मेधा सूची जारी करने की मांग कर रहे थे, अनिश्चितकालीन धरने पर बैठे थे।
प्रशासन की कार्रवाई के दौरान अभ्यर्थी लगातार पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी कर रहे थे। वहीं पास में ही होमगार्ड के सफल अभ्यर्थियों का भी अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन पिछले 10 दिनों से मोराबादी मैदान के बापू वाटिका के पास चल रहा था। इसमें बड़ी संख्या में महिलाएं भी शामिल थीं। होमगार्ड अभ्यर्थी प्रशिक्षण की मांग को लेकर धरने पर बैठे थे। इन सभी लोगों को प्रशासन ने रात करीब 1:30 बजे धरना स्थल से ही हटा दिया। जानकारी के अनुसार पुलिस ने उन्हें खेलगांव पहुंचा दिया है। बताते चले कि प्रशासन ने पिछले सप्ताह ही मोराबादी मैदान में धारा 144 लगाते हुए यहां धरना प्रदर्शन आदि पर रोक लगा दी थी। अभी 2 दिन पहले ही धरना दे रहे अभ्यर्थियों को प्रशासन ने नोटिस जारी कर वहां से हटने को कहा था, परंतु वे नहीं माने। इसके बाद बीती रात प्रशासन ने उन्हें हटाने की कार्रवाई की। बताते चले कि इसी मैदान में 29 दिसंबर को सरकार की प्रथम वर्षगांठ पर मुख्य समारोह का आयोजन भी होना है। इधर भाजपा के एक प्रतिनिधिमंडल ने खेलगांव पहुंचकर वहां रखे गए अभ्यर्थियों से मुलाकात की और उन्हें हटाए जाने पर राज्य सरकार की आलोचना की। इन भाजपा नेताओं में प्रदीप वर्मा, विधायक सीपी सिंह, नवीन जायसवाल, गंगोत्री कुजूर आदि शामिल थे। ताजा जानकारी के अनुसार सभी अभ्यर्थियों को उनके घर वापस भेज दिया गया है। आज के प्राइम में बस इतना ही। आगे की न्यूज अपडेट जानने के लिए देखते रहिए आजाद सिपाही।